नमस्कार, आज हम आपको रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में बताएंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का एक सिंपल सर्किट है। जो रिले है वो सिर्फ इतना है, ये स्विच और बैटरी रिले का हिस्सा नहीं है, ये रिले के बाहर है। रिले में दो सर्किट होते हैं, एक इनपुट सर्किट एक आउटपुट सर्किट। रिले का काम होता है इनपुट सर्किट को और आउटपुट सर्किट को कनेक्ट करना आइसोलेशन के साथ। इसमें एक कॉइल होती है, उस कॉइल के दो टर्मिनल हैं, एक ये और एक ये, और एक कांटेक्ट होता है जिसके तीन टर्मिनल हैं, एक कॉमन, एक ये NC और एक ये NO। ये जो कांटेक्ट है इसके और इसके बीच में, उसको बोलते हैं NC या नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट। नॉर्मली क्लोज क्यों? क्योंकि जब रिले ये ऑफ रहता है उस केस में यहाँ और यहाँ के बीच में कांटेक्ट क्लोज होता है, और इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन कांटेक्ट। इसके और इसके बीच में जो है, देखिए ओपन है मतलब जब इसमें करंट नहीं बह रही तो ये ओपन है, ये क्लोज है तो ये NO है, ये NC है। अब जब हम इनपुट सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं, ये स्विच क्लोज करते हैं, तो कॉइल में करंट बहती है। कैसे? ऐसे। ये देखिए सर्किट पूरा हो गया। तो जब इस कॉइल में करंट बहती है तो इसके जो कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाती है। मैग्नेटाइज होने के बाद ये क्या करती है कि इस कांटेक्ट को अपनी ओर खींचती है। इसमें भी मेटल होता है तो वो मेटल इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये स्विच शिफ्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे। तो जब यहाँ पे करंट नहीं बह रही थी तो कनेक्शन यहाँ था, जब करंट बहने लगी तो कनेक्शन यहाँ हो गया। अब यहाँ पर हमने DC दिखाई है, ये AC भी हो सकता है। कॉइल की रेटिंग अगर DC है तो DC सप्लाई यहाँ देंगे, अगर कॉइल की रेटिंग AC है तो AC सप्लाई देंगे। इस DC AC का इससे कोई रिलेशन नहीं। ये AC है तो ये DC हो सकती है, या ये DC है तो ये AC हो सकती है, ये दोनों आइसोलेटेड सर्किट हैं। अभी हमने एक कांटेक्ट दिखाया था, लेकिन कई रिले में दो कांटेक्ट भी होते हैं, एक ये और एक ये, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन और चार हो सकते हैं। तो इसमें तीन इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गए, एक इनपुट का और दो आउटपुट के। इन तीनों का वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, मतलब यहाँ DC लगा है तो यहाँ पे AC हो सकता है, यहाँ पे AC की दूसरी सप्लाई हो सकती है, या यहाँ पे DC हो सकता है। ये तीनों आइसोलेटेड हैं। देखिए इसमें हमने एक मोटर लगा दी, अभी ये स्विच ओपन है तो ये देखिए ये ओपन है, मोटर में करंट नहीं बह रही तो मोटर नहीं चल रही। अब जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये कांटेक्ट इधर हो जाएगा, क्योंकि कॉइल में करंट बहने लगेगी, ऐसे। अब क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। देखिए करंट ऐसे बहने लगी तो ये मोटर चलने लगेगी। तो जब ये स्विच ओपन था तो मोटर ऑफ थी, जब स्विच हमने क्लोज किया तो मोटर चलने लगी। इस तरह से हम इस छोटे से स्विच से एक बड़ी मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे
ये सर्किट वही है, यहाँ पे डीसी लगा दिया। अब जब ये ओपन है तो ये करंट यहाँ नहीं बहेगी, तो ये एनसी कांटेक्ट ऐसे क्लोज रहेगा, तो करंट ऐसे बहेगी और ये एलईडी जलेगा। लेकिन जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये मूव हो जाएगा ऐसे, अब क्या होगा, करंट ऐसे बहेगी, तो अब ये वाला एलईडी जलेगा। पहले ये जल रहा था क्योंकि कनेक्शन इधर था, ये ऑन होने पर ये वाला एलईडी जलने लगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिले रखे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, इन सब की कॉइल की रेटिंग अलग अलग है और कांटेक्ट की भी। जैसे इसकी कॉइल की रेटिंग है 5 वोल्ट, यहाँ छोटा सा लिखा है 5 वोल्ट, इसकी कॉइल की रेटिंग है 12 वोल्ट, ये है 220 वोल्ट कॉइल रेटिंग का। और चूंकि ये रिले बड़ा है इसकी कांटेक्ट की रेटिंग भी ज़्यादा है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने इसके अंदर का निकाल के रखा है ऐसी दिखाने के लिए। अब मैं आपको इनकी और इनकी और इनकी रेटिंग जरा पास से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है 5 वोल्ट डीसी, मतलब इस रिले की कॉइल 5 वोल्ट डीसी की है, इसकी कॉइल 12 वोल्ट डीसी की है, और ये जो है इस रिले के अंदर का हिस्सा है। इस रिले की कॉइल है 220 वोल्ट की। अभी मैं इसी से एलईडी का एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और इस केस को निकाल दूंगा, रिले के केस को, जिससे आपको कांटेक्ट मूव होता हुआ दिखेगा। ये सिंपल सेटअप है, ये रिले है जिसकी ये कॉइल देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा है 220 वोल्ट, इस कॉइल को सप्लाई 220 वोल्ट से गई है, अभी स्विच ऑफ है, और ये तीन इसके कांटेक्ट हैं, ये कॉमन, ये एनओ, ये एनसी, एनसी से हरा एलईडी लगा है, एनओ से रेड, और ये 9 वोल्ट की सप्लाई है और ये रजिस्टर है। तो जब हम इसको ऑफ रखते हैं, मतलब कॉइल ऑफ है, कॉइल में करंट नहीं है, तो एनसी कांटेक्ट ऑन है और ये हरा एलईडी जल रहा है। जब इसको हम सप्लाई देंगे इससे, तो यहाँ वाला कांटेक्ट मूव हो जाएगा ऊपर और ये वाला ऑन हो जाएगा। देखिए आप, मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए, अब मैं इसको ऑफ करूँगा, आप देखिएगा ये वापस आएगा, ये ऑफ किया तो फिर वापस आ गया। अब मैं इसका ऑपरेशन आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए मैं पास से दिखा रहा हूँ, रिले कॉइल है और कॉइल के टर्मिनल ये हैं जो एसी सप्लाई को जा रहे हैं, और जो कांटेक्ट हैं उसका ये कॉमन पॉइंट है, ये एनओ है, ये एनसी है, और ये मूविंग पॉइंट है। ये देखिए मैं पकड़ के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मूव होगा, अभी नॉर्मली ऑफ है, ये डीसी सप्लाई है, ये रजिस्टर है और ये वायर जा रहा है, और अभी ऐसे कनेक्शन पूरा हो रहा है और इधर आ रहा है। जब इस सप्लाई देंगे इस रिले को हम, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तब सर्किट ऐसा बनेगा ऐसे, अभी इधर से आ रहा है, बाद में इधर से जाएगा, और ये देखिए मैं हाथ से करके दिखाता हूँ, ये मूव होता हुआ देखिए बीच वाले को, ये देखिए। हाँ मैं रिले ऑन करूंगा, तो रिले ऑन होने से ये अपने आप मूव इधर होगा और लाल वाला एलईडी ऑन हो जाएगा। देखिए मैंने रिले ऑन किया, इसमें करंट फ्लो हुई, अब ऐसे सप्लाई जा रही है ऐसे, तो ये वाला एलईडी ऑन है। मैं रिले ऑफ कर दूंगा तो ये वापस आ जाएगा, ये वापस आ गया। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।